इस धारावाहिक के सभी पात्र घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर, मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर। देर से अजनबी से कराए जो मेल। हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर हमारे नए असाइनमेंट के तहत हमारा हर मूव कॉन्फिडेंशियल है। घर तो क्या, दफ्तर में भी 2-3 सीनियर ऑफिसर्स के अलावा हमारे ठिकाने की खबर किसी को नहीं है। ऑफिस में तुम्हारी वापसी के साथ पहले की तरह तुम्हारी जिंदगी में हंसी और खुशी लौट आए। चलो दोस्तों, उस सफर की शुरुआत करते हैं जो तमाम रेल यात्रियों के सफर को हसीन बना दे। सारा धनबाद ससुराल होगा, जिसका ससुर या तो वहाँ का आई जी है या फिर भाई जी है। बाबूजी हमारे सामान का ध्यान रखिएगा, अभी आते हैं। चलो चलो चलो। बाबूजी कुछ चाय वाय ले गया? नहीं नहीं, मैं जा नहीं रहा। अरे अरे कहाँ बैठे हो भाई, यहाँ लोग बैठे हुए पहले से। हेलो, इस बुड्ढे को खाली सीटों पे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक ही तो कह रहा है, हम बैठे ही तो है। ए नकले। अरे भाई मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, कुछ तो लिहाज करो। बाप को बाप की बात माननी चाहिए, जबकि बाप अपने से छोटी उम्र का हो। क्यों भाई लोग? अंकल इस रूम बैठना, वैसे भी हम लोग बहुत थक चुके हैं। और अगर हम लोग अपनी कमर सीधी करने पे आ गए ना, तो तुम लोग को भी यह जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। लगता है आप लोग गलत सीट से बैठ गए, ये सीट हम लोगों की। ये लो एक और है। यो, नाम लिखा है इंस्टीट्यूट पे तुम्हारा? नाम नहीं लिखा लेकिन नंबर तो लिखा है।
और वही नंबर मेरे टिकट पर भी है। तो उसी पर बैठ जा। मैंने भी इसको बहुत कहा, मानते ही नहीं। सतिंदर, टीटी को बुला के लेके आओ, दरवाजे पे खड़ा। टीटी की दौंस दे रहा तू हमें? ऐसे कई टीटी दिन में हमारे आगे पीछे पीटी करते घूमते हैं रे। लो, भाई लोग टीटी को बुला रहे, डर जा। क्या बात है साहब? हमारी रिजर्वेशन है, ये लोग हमारी सीट से बैठे हुए। चलिए चलिए, आप लोग सीट खाली कीजिए, इन्हें बैठने दीजिए। चलिए 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 चलिए, किधर चलिए? तेरे घर पे यूरो किलो होगी ना तेरी। तो डीटी, अब तू ही हमें उठा, हम खुद से तो उठने वाले हैं। चल जाने दीजिए साहब, ये तो इनका रोज का ही नाटक है, और हमें भी आखिर नौकरी तो करनी ही है ना। अच्छा सॉरी, मैं चलता हूँ। चल। अगर ये रोज का नाटक है तो आज के बाद ये नाटक नहीं होगा। क्या करेगा बे? अरे तेरे पकड़ इसको।
सॉरी मैम, आप तो जानती हैं कि लास्ट ट्रेन, अगर छूट जाती तो सारी रात मुझे स्टेशन पर गुजारनी लगता है। आज की रात ट्रेन में नहीं पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ेगी आपको। सॉरी मैम, आप तो जानती हैं कि लास्ट ट्रेन, अगर छूट जाती तो सारी रात मुझे स्टेशन पर गुजारनी लगता है। आज की रात ट्रेन में नहीं पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ेगी आपको। वो देखिए पीछे। तेरी जेब में फाइन देने के लिए पैसे भी नहीं, आज जेल में रात बिताने के लिए तैयार हो जाए। क्या सोचेगी ये लड़की? ओह गॉड, आज किसी तरह बचा ले, प्लीज प्लीज। प्लीज टिकट। ये तो लाइब्रेरी कार्ड है। सॉरी। अब ये लीजिए। अरे ये आप क्या कर रही हैं? ये तो कॉलेज आईडी कार्ड है। रेलवे पास है कि नहीं?
था आपको, ये रहा हमारा स्टेशन आ रहा है, हमें उतरना है। आपका ये बुर्का एंड थैंक्स अ मिलियन। लाइंस काफ़ी क्लीशेड हैं लेकिन फिर भी मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। इसमें एहसान कैसा, एक इंसान ही तो एक इंसान के काम आता है। कम से कम आप लेडीज कंपार्टमेंट में चले मर्द को इंसान तो मानती हैं, वरना वो औरतें तो बाय द वे आई एम गौरव। सॉरी आपको बुरखा लेने के लिए इस स्टेशन पर उतरना पड़ा और लास्ट ट्रेन भी चली गई, अब आप घर कैसे जाएंगे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी यही उतरना था, हम यही पास वाले गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी वहीं रहता हूँ, आइए रास्ते में बात करेंगे। आप गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं? मेरी टांग खींच रही, उसके सामने जो रेलवे क्वार्टर्स है मैं वहाँ रहता हूँ, आइए चले। ये तो सुना था कि इश्क में इंसान दीवाना हो जाता है, लेकिन आज मालूम चला कि पागल भी हो जाता है। हाँ मैं हो गया हूँ पागल, पहली नज़र में उसने मुझे अपना दीवाना बना दिया। कल से अब तक सिर्फ उसी के ख्यालों में खोया, उसके साथ बैठने का, उसे गौर से देखने का इससे अच्छा आइडिया मुझे नहीं मिला। और फिर उसी ने तो दिया था ये आइडिया मुझे। अच्छा कल उसने तुम्हें बुरखा तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए पहनाया और आज तुमने उसकी इज्जत उछालने की तैयारी कर ली। लो आ गई तुम्हारी सपनों की रानी। माशाल्लाह चांद जब आसमां पे आ जाए आपका आसरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है, सहमा सहमा डरा सा रहता है, इश्क में और कुछ नहीं आदमी बावरा सा रहता है। राह चलते अक्सर ये गुमा होता है, वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। लो दोस्तों ये वो किला है जहां से भाईजी के खिलाफ जंग लड़नी भी है और जीतनी भी है। गौरव अगर तुम मेरे
मेरी जिंदगी में ना आते। तो ना जाने मेरा क्या होता। देखिए मैं 2644-1034 से बोल रही हूँ। हमारे इसी नंबर पे अभी कुछ देर पहले एक मिस्टर यश का फोन आया था। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि ये फोन कहाँ से और किस नंबर से आया था? साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर सफर हम सफर हम सफर हम सफर। खेल के इंजन जैसा सीना चौड़ा है जाबाजों का। इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवा। I'm sorry.